दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश से वीडियो के अंदर। फिर से बात कर रहे हैं काफी सारी टेक अपडेट्स के बारे में। उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2020 आपके लिए काफी सारी खुशियां लेकर ही आए, यही मेरी कामना है। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है दोस्तों सैमसंग के पेटेंट को लेकर। एक स्मार्टफोन का पेटेंट जारी किया सैमसंग ने। इस पेटेंट के तहत एक ऐसा फोल्डेबल फोन आपको जल्दी देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक एक्सटेंडेबल डिस्प्ले मिल जाएगी। ये काफी कमाल का फोन हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ से। एक नई लीक निकल गई है दोस्तों। Xiaomi यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि Mi 10 के अंदर Mi 9 से भी बड़ी बैटरी होगी, साथ ही Snapdragon 865 का CPU, 66 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग Mi 9 के अंदर 3300 mAh की बैटरी थी, तो यहाँ पर जो है 5000 mAh की बैटरी होने की काफ़ी सारे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei का कहना है कि जो Mate X2 फोल्डेबल फ़ोन है उसे Q3 2020 में लॉन्च करेगा। साथ ही यहां पर खुलासा किया है कि Mate X2 फोल्डेबल फ़ोन के अंदर क्रीम का 1000 प्रोसेसर दिया जाएगा। ये काफ़ी कमाल का फ़ोन हो सकता है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम को स्पैम कर दें हैशटैग के साथ। इंस्टाग्राम ने स्टार्ट कर दिया है फैक्ट चेक सिस्टम, जो कि फोटोज के ऊपर यहां पर लगाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके तहत जो फोटोज और वीडियोज डाले जाते हैं उन्हें हाईलाइट करने वाला है, और जो फोटोज और वीडियो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनको यहां पर ब्लॉक करने वाला। तो दोस्तों ध्यान से अब जो भी फोटो आप डालोगे उसे देखकर डालना, वरना आपका आईडी ब्लॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है न्यू ईयर 2020 गूगल डूडल की तरफ से। अब की बार गूगल कुछ नया कमाल करने वाला है अपने डूडल के ऊपर। एक फ्रॉगी वेदर फ्रॉग वॉचेज और जो फायरबक्स हैं वो सब यहां पर यूज करने वाला है हैप्पी न्यू ईयर 2020 के लिए। देखते हैं क्या हो पाता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से। एक नया अपडेट आने वाला दोस्तों 0.16.5 का, जो कि सीजन 11 के अंदर आपको लेके जाएगा। अगर आप पबजी के दीवाने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा दीजिए पबजी लाइव जो भी आप करते हैं लगा दीजिए, और जल्दी मैं इसके बारे में और भी जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल यही जानकारी पता चली है कि आपको नई स्किन मिलेंगी, बिना यूसी के स्किन्स मिलेंगी, नया पैरासूट मिलेगा, M14 जो गन है उसके अंदर भी फ्री की स्किन्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है सभी को सीजन 11 के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है दोस्तों गूगल पिक्सल 4a की तरफ से। ये फोन भी काफी कमाल के होते हैं गूगल वाले रेंडर किया है दोस्तों। वैसे आपको बता दूं 4a के अंदर एक हेडफोन जैक भी होगा, ये एक बढ़िया बात है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि होल पंच डिस्प्ले होगी, मतलब कॉर्नर में कैमरा आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, एक होल के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर वीवो की तरफ से एक नया पेटेंट जो है अप्लाई किया है, और इस पेटेंट के तहत पता चला है दोस्तों वीवो के इस फोन के अंदर फ्रंट सेल्फी कैमरा 4 होने वाले हैं। पेटेंट के मुताबिक यहाँ पर बताऊं तो चारों कॉर्नर में एक एक कैमरा हो सकता है, ऊपर की तरफ दोनों कॉर्नर में ड्यूल कैमरा का सेट भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें निकल के आ रही है दोस्तों एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है यहाँ पर लॉन्च कर सकता है कि $5000 का गेमिंग मैक, और ये होगा दोस्तों स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, मतलब गेम खेल पाएंगे स्पेशल गेमिंग लैपटॉप या फिर मैकबुक भी आप इसे बोल सकेंगे। तो देखते हैं दोस्तों मैकबुक निकालता है फिर डेस्कटॉप वाला मैक यहाँ पर लॉन्च करता है। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है, सिर्फ यही पता चल पाया है कि $5000 का एक जल्दी धमाका करने वाला है एप्पल। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। X50 5G का नाम आपने काफी बार सुन लिया, इसकी कुछ स्पेसेस जो है यहाँ पर गिगबेंच की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट की गई हैं। January 7 को लॉन्च होने की इसकी बातें हैं, तो लॉन्च हो भी सकता है, लेकिन उससे पहले बता दूं इसमें 6.67 inches की फुल HD प्लस अजीब सी डिस्प्ले होगी दोस्तों, 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब गेमिंग एकदम बढ़िया चलेगी। और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का CPU इसमें दिया गया है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है और 12GB तक RAM भी सपोर्ट करता है।
बताइए दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में, स्पैम कर दीजिए, कितने जीबी की रैम इस फोन के साथ मार्केट में उतारी जा सकती है रियलमी की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S11 की तरफ से, लॉन्च कर रहा है दोस्तों गैलेक्सी फोल्ड 2 के साथ फरवरी 11 को, सैमसंग गैलेक्सी S11 को। ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, दो दो ऐसे स्मार्टफोन जो कि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहां पर वेट कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिलेंगे आपको, काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, निकल के आ रही है CS 2020 की तरफ से, सैमसंग ने खुलासा किया है दुनिया का पहला ट्रू बेजेलेस टीवी, मतलब किसी भी प्रकार की बेजेल जो इस टीवी में नहीं मिलेंगी। आज तक आपने जितने भी टीवी देखे हैं चारों तरफ से प्लास्टिक के एक बॉर्डर से ढके हुए थे, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा टीवी बनेगा जो कि स्मार्ट भी होगा और बेजेल्स भी नहीं होगी, मतलब पूरा का पूरा शीशा लगा भाई सामने की तरफ। इसकी प्राइस भी लो दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए होने वाली है। अभी तक इसकी साइज का पता नहीं चला है, ना ही इसके फीचर्स का। AI रिमोट मिलेगा, AI सिस्टम मिलेंगे, देखते हैं और क्या मिल पाता इसके अंदर, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, स्पैम कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से, इंडिया ने अनाउंस कर दिया है ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है दोस्तों VAJRA, फाजरा, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI, उसने ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो अब हमारा जो पेमेंट रहेगा जितना भी, वो यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, मतलब हैकिंग का तो कोई खतरा ही नहीं है ब्लॉकचेन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, निकल के आ रही है ब्राज़ील की तरफ से, ब्राज़ील ने फेसबुक के ऊपर $1.6 million का फाइन कर दिया है, यूजर डाटा जो है शेयर कर डाले हैं फेसबुक ने फिर से। ब्राज़ील के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने कहा है कि यहाँ पर 4,43,000 फेसबुक यूजर्स के डाटा जो है लीक हुए हैं, उसके उपलक्ष में इतने सारा मतलब जो भी है फाइन कर दिया है फेसबुक के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है भाई फेसबुक को। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, निकल के आ रही है दोस्तों स्मार्टफोन मेकर कंपनी ओप्पो की तरफ से, इसमें यहाँ पर एक रूमर निकल के आया, रूमर के मुताबिक 2020 में आपको स्मार्ट टीवी मिलेगा जिसका नाम होगा दोस्तों ओप्पो टीवी। इस टीवी को जो है काफ़ी बजट यहाँ पर रखने की बात हो रही है, ओप्पो का एक बजट वाला टीवी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, शायद इसमें भी 20x वाला कैमरा मिल जाए पॉपअप के साथ। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो पाता है। ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अपडेट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, काफ़ी खुशी मिलेगी अगर आप लाइक करते हैं तो, अगर आप भाई मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।